हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आपका सीजीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव 2018 को देखते हुए सीजीपीएससी ने आनन फानन में ही आपका 160 पोस्ट बहुत ही कम पोस्ट के साथ अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्यों? क्योंकि आचार संहिता यदि एक बार लागू हो जाता तो आचार संहिता लागू होने के बाद आपका पीएससी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाता। यदि देखिए, आपका पीएससी हर बार आपका नोटिफिकेशन जारी करता था दिसंबर एंड में वो अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उसे अप्रॉक्स 50-60 डेज आपका गैप रखता है एग्ज़ाम के बीच। यानी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उसे कम से कम 60 दिन का समय चाहिए रहता है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। यदि आचार संहिता लागू हो जाता तो आपका चुनाव के बाद आपका मतगणना लेकर के जनवरी में आपका पूरा सब चीज़ खत्म होता, और उसके बाद यदि वो नोटिफिकेशन जारी करता जनवरी एंड में तो फरवरी और मार्च अप्रैल में ये आपके एग्ज़ाम जा सकते थे। तो इतना लंबा ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर पीएससी ने आनन फानन में ही आपके 160 पोस्ट के साथ अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ये पोस्ट भले ही अभी कम है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के बाद इसमें और भी पोस्ट बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हम थोड़ा देखेंगे कि सीजीपीएससी का कितना पोस्ट है, क्या है, उसमें कितने मार्क्स है के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें किस सब्जेक्ट पे अभी अपनी तैयारियां रखनी है, मेंस के लिए हमें कैसे तैयारियां करनी है, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कितना है, सेफ जोन कितना है, ये क्वेश्चन अधिकतर सभी के मन में रहता है। तो इस पर हम थोड़ा आज बात करते हैं। देखिए, यदि नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है और उसमें 17 फरवरी का डेट दे दिया गया है, 7 जनवरी से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना चालू हो जाएगा, 5 फरवरी के आसपास उसका लास्ट डेट है, 17 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। यदि हम आज से काउंट करें तो अप्रॉक्स 4 महीने का समय है। मेंस होगा आपका 21, 22, 23, 24 जून, 4 दिन आपका मेंस रहेगा। तो इन उसके लिए यदि हम डेट देखें तो आज से लगभग 8 महीना या 7.5 महीने का समय है आपके पास। ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। देखिए, नोटिफिकेशन अभी आ गया है तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक बहुत लंबा टाइम पीरियड मिल गया। कई आपके अभ्यर्थी इस इंतज़ार में रहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होगा, हमको एग्ज़ाम डेट मालूम चलेगा तो हम अपनी तैयारियां चालू करेंगे। दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी होता था तो आप लोग के पास 2 महीने का समय रहता, लेकिन अब नोटिफिकेशन अभी जारी हो गया है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है। देखिए, पोस्ट चेंज हो सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम डेट अब चेंज नहीं होगा। 21, 22, 23, 24 जून को आपके मेंस एग्ज़ाम होने हैं, मतलब होने ही हैं। तो देखिए, अभी आपके पास इतना ज़्यादा समय है तो आप मेंस की तैयारी भी साथ में करते चलिए। देखिए, जैसे सीजीपीएससी प्री 2019 एग्ज़ाम होगा आपका 17 फरवरी 2019 को। इसमें 2 पेपर है, एक है आपका जनरल स्टडी, दूसरा है सी सेट, पेपर 1 पेपर 2। जहाँ सी सेट अभी पिछले साल तक आपका, मतलब 2016 तक इसमें आपको मार्क्स काउंट होते थे एग्ज़ाम में, लेकिन पिछले साल से इसे क्वालिफाई कर दिया गया था। देखिए, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितना है और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कितना है इसे देख लीजिए। जनरल कैटेगरी यानी अनारक्षित के लिए है, मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क है 33%, यानी यदि 200 का देखा जाए तो आपको 66 अंक लाने पड़ते हैं मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। आरक्षित रिजर्व कैटेगरी यानी ST SC OBC आपका भूतपूर्व सैनिक विकलांग सभी के लिए है, आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क है आपका 23%। ST SC OBC भूतपूर्व सैनिक विकलांग सभी के लिए, यानी आपको 200 में से लगभग 46 अंक लाने हैं तब जाकर के आप मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। देखिए, ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना मार्क्स ला लेंगे तो आपको पोस्ट मिल जाएगा। ये क्वालिफाई मार्क्स है, इसके सिलेक्शन कट ऑफ मार्क्स अलग है। देखिए, आपका जनरल स्टडी से लगभग 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 प्रश्न के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी टोटल 200 मार्क्स के आपका पेपर 1 होगा, जबकि आपका जो पेपर 2 है उसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको हर प्रश्न के 2 अंक यानी टोटल 200-400 मार्क्स का पहले एग्ज़ाम होते थे, लेकिन चूंकि अभी इसे क्वालिफाई कर दिया गया है तो आपको जनरल कैटेगरी को, इस सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% यानी 66 नंबर लाने पड़ेंगे, और रिजर्व कैटेगरी को इसे क्वालिफाई करने के लिए 23% लाने पड़ेंगे। ठीक, अब देखिए, इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग है ये है आपका 1/3। इस निगेटिव मार्किंग को लेकर के भी काफ़ी लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए, इसको यदि आप कोई एग्ज़ाम देकर के आए, जैसे सीजीपीएससी का एग्ज़ाम देकर के आया है, तो सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में आपको अपने मार्क्स निकालने का ये फॉर्मूला है, 2R-1/3W
आर मीन्स राइट राइट क्वेश्चन, डब्ल्यू मीन्स रॉन्ग क्वेश्चन. राइट क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, जबकि रॉन्ग क्वेश्चन में आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे. तो मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं, 2R-0.33W करके अपना मार्क्स निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि हमारा इतना मार्क्स आया लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ. लेकिन ये 1/3 का मतलब ये नहीं है कि 0.33, 1/3 किसका है, ये 2 मार्क्स का 1/3. यानी अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यदि क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.66 मार्क्स काट लिए जाएंगे. ठीक, 0.33 नहीं है, वो 0.66 है. तो राइट एक सही प्रश्न के आपको 2 नंबर मिलेंगे और एक प्रश्न गलत होने पर आपके 0.66 नंबर काट लिए जाएंगे. अब जैसे ये देखिए, अभी आपका पीएससी ने निकाला है 160 पोस्ट और 160 पोस्ट पीएससी ने निकाला है, तो उसमें से लगभग आपका 13 के आसपास उसमें पद उसमें मेंशन किए गए हैं. जितने पोस्ट पीएससी निकालता है उसका 15 गुना वो मेंस के लिए अपेयर करता है, मेंस के लिए अभ्यर्थियों को बुलाता है. तो यदि हम देखें तो मेंस के लिए कितने लोग अपेयर होंगे, 160 × 15, यानी लगभग 2400 स्टूडेंट आपका मेंस देंगे. यदि पोस्ट आपका 160 ही रहता है तो आपके लिए ये काफ़ी टफ रहेगा ये एग्ज़ाम, क्योंकि जितने कम पोस्ट रहेंगे उतना आपका कंपटीशन बढ़ेगा. ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे आपका 160 पोस्ट है, जैसे पिछले बार निकला था आपका 250 पोस्ट, तो 250 का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका 3500 या 3700 के आसपास आपके कुल स्टूडेंट मेंस में अपेयर हो रहे थे. लेकिन यदि हम इसमें देखें तो अभी ये कितना हो गया, लगभग 1000 स्टूडेंट कम हो गए हैं. 1000 स्टूडेंट यदि कम हो रहे हैं तो उतना ही आपका कट ऑफ मार्क्स, यानी जो जितना ज़्यादा सॉल्व करेगा या जितना ज़्यादा राइट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा उसका उतना सिलेक्शन होगा. यानी अब ये कंपटीशन है आपकी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट का, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट ही इसमें सेलेक्ट होंगे. यानी जो भी आपका आप जितना भी क्वेश्चन इसमें निगेटिव करेंगे इसमें घाटा आपका है. कई लोगों का क्या है कि अरे अब इसमें जब निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 हो गया है तो हम एक बार के लिए रिस्क ले सकते हैं. पहले 50% निगेटिव मार्क था तो हमको लगता था कि नहीं रिस्क नहीं ले सकते, पूरा का पूरा एक नंबर का लॉस होता है. लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं, अगर अब निगेटिव मार्क 1/3 हो गया मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर हमें 0.33 मार्क्स ही कटेंगे. ऐसा नहीं है, 0.33 नहीं 0.66 मार्क्स कट रहे हैं. लगभग आपका 0.34% का आपको प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है ये. तो आप रिस्क मत लीजिएगा, जहाँ तक हो सके आप राइट क्वेश्चन ही अटैम्प्ट मारने का कोशिश कीजिएगा. तो 160 पोस्ट 2400 स्टूडेंट इसमें अपेयर हो रहे हैं. अब देखिए इसमें क्या है, आपका सेफ जोन और सिलेक्शन जोन. जब कभी भी एग्ज़ाम CGPSC का ख़त्म होता है तो कई लोगों का प्रश्न ये रहता है कि इसमें सेफ जोन या हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है. कई लोग सोशल मीडिया में ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है, मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं मेंस की तैयारी करूँ नहीं करूँ. तो देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, मेरा जो 2-3 साल का PSC का एनालिसिस है उसमें मैंने ये चीज़ देखा है कि जो आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी अनारक्षित कैटेगरी के जो आपके स्टूडेंट है वो यदि आपका 50% क्वेश्चन यदि वो सही अटेम्प्ट मार रहे हैं, यानी यदि 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें से आपका 50 प्रश्न सही है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं. जैसे अभी पिछले साल जो PSC का पेपर हुआ उसमें लगभग 90+ में आपका जनरल कैटेगरी का पूरा सिलेक्शन था. 90 से अधिक जिसने भी आपका 90 से अधिक प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं उनका सभी जनरल कैटेगरी में उन्होंने मेंस दिया है. ठीक, तो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 50% लाने हैं, ये है आपका सेफ जोन. यदि आपने 50% क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिए हैं तो आपको इधर उधर कहीं पूछने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सीधा अपना मार्केट से बुक उठाइए या कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके आप अपना मेंस का तैयारी करना चालू कर दीजिए. ठीक, या अभी से आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन हो चुका है तो आप अभी से ही जो आपका पिछले 2-3 सालों से प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस दे चुके हैं उन लोग अभी से ही आप अपना मेंस की तैयारी करने चालू कर दीजिए. ठीक है, तो आप यदि एग्ज़ाम देकर के आ रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंट है कि मेरे 50% क्वेश्चन राइट है, एकदम एक्यूरेट मैंने मारे हैं, तो आप कहीं पे ही पूछिए मत. अगले ही दिन से आप 17 फरवरी के बाद 18 फरवरी 19 फरवरी से अपना प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा. देखिए जो पिछले साल सिलेक्शन हुआ है वो आपका ये तो है आपका सेफ जोन, यानी आप इतना लाते हैं तो आपका मतलब मेंस के लिए आप अपेयर होंगे. लेकिन फिर भी आपका 45-48% के आसपास भी सिलेक्शन हो रहे हैं, यानी लगभग 45 यानी आपका 90 से 96 अंक के आसपास यदि आपका जनरल कैटेगरी में आ रहा है तो आप डेफिनेटली आप मेंस के लिए अपेयर हो सकते हैं.
लेकिन अभी पोस्ट कम है तो मे बी चांस ये है कि आपका कट ऑफ मार्क्स बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक के पीएससी में जनरल कैटेगरी लगभग 45 से लेकर के 48% के आसपास, यानी यदि उनका 90 से लेकर 96 नंबर तक उनका आता है तो वो मेंस के लिए अपेयर हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम रिजर्व कैटेगरी की। रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी के लिए सेफ जोन है आपका 45% यानी 90 मार्क्स। यदि कोई ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट 90 मार्क्स ला लेता है आपके पेपर वन में, पेपर वन यानी ये जनरल स्टडी में, यदि आपका वो 90 नंबर ला लेता है तो वो डेफिनेटली वो सेफ जोन पे है, वो भी अपना मेंस के लिए अपेयर हो सकता है। ठीक, एसटी एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए सेफ जोन है आपका 38% यानी आपका लगभग 75 मार्क्स यदि कोई एससी एसटी कैटेगरी का लाता है तो भी मेंस के लिए वो एकदम सेफ जोन पे है, वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो अभी पिछले 2-3 सालों से जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो सिलेक्शन हुए हैं आपके, जैसे ओबीसी की बात करें तो 40-42% के आसपास ओबीसी में यदि कोई स्टूडेंट गेन करता है, यानी लगभग 80 से आपका 84 के आसपास उसके मार्क्स रहते हैं, तो इतने ही आपका 80-84 के आसपास ओबीसी कैटेगरी का जो सिलेक्शन हो जाता है। देखिए अभी इस बार जो आपका ओबीसी का जो पिछले साल पीएससी में हुआ सिलेक्शन वो लगभग आपका 81-82 के आसपास ओबीसी का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। एससी एसटी भी सेफ जोन में रहेंगे, एससी एसटी का भी जो सिलेक्शन हुआ पिछले साल वो आपका 32-35% के आसपास एससी एसटी का सिलेक्शन हुआ, 32 यानी आपका लगभग 64 से लेकर के आपके 70 नंबर के बीच में यदि एससी एसटी कैटेगरी के लोग ला लेते हैं, स्टूडेंट यदि लाते हैं आपके 64 से लेकर के आपका 70 मार्क्स के बीच 70 नंबर यदि वो ला लेते हैं पेपर वन में, तो उनका डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हो गया है पिछले साल तक। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इस साल पोस्ट कम है तो मे बी हो सकता है कट ऑफ बढ़ सकता है, यदि आगे पीएससी पोस्ट बढ़ा दिया तो आप देखिए आप तैयारी जनरल कैटेगरी वाले, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि आप 50% के लिए तैयारी कीजिएगा, ओबीसी 45% के लिए और एससी एसटी 38% को एम करते हुए चलिएगा। यदि उतने प्रश्न आपसे एकदम एक्यूरेट लग रहे हैं तो उतने में ही आप अपना पेपर क्लोज कर दीजिए, उससे ज़्यादा देखिए यदि आपको कॉन्फिडेंट है तो आप उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन यदि आप कॉन्फिडेंट है तभी आप आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। तो मेरा यही कहना है कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी में तो आप 45% के लिए मेहनत कीजिए, एससी एसटी वाले 38% के लिए मेहनत कीजिए और जनरल कैटेगरी वाले आपको 50% के लिए आप मेहनत कीजिए, इतना आप एकदम एक्यूरेट लगा करके आइए आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे तो डिपेंड करता है पीएससी के ऊपर कि वो कई बार प्रश्न विलोपित कर देता है जिसके कारण काफ़ी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए यदि ये तो थी आपकी मेल कैटेगरी की बात, यदि हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3-4% या अधिक से अधिक 5% का उनको प्रॉफिट होता है, यानी लगभग 45% जनरल कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी का हो जाएगा। वैसे ही इसमें 5-5% माइनस कर दीजिए, 40% आपका फीमेल कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, एससी एसटी का आपका लगभग 35% या 32% में उन लोग सेफ जोन पर रहेंगे, इतने में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये सिलेक्शन हो रहा है आपका जनरल कैटेगरी का 45-38% में, आपका आरक्षित मीन्स रिजर्व कैटेगरी ओबीसी का हो रहा है 40-42% में, एससी एसटी का हो रहा है 32-35% में, इनका अभी तक सिलेक्शन होता रहा है पिछले 2-3 सालों में। अब हम बात करते हैं थोड़ा, देखिए एग्जाम में प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं और हमें तैयारियां क्या करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीसेट के ऊपर। सीसेट में आपके 100 प्रश्न पूछ रहे हैं, जनरल कैटेगरी एक कैटेगरी के लिए है आपका 33% क्वालिफाइंग मार्क और रिजर्व कैटेगरी मीन्स एसटी एससी ओबीसी विकलांग और आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए है आपका 23 मार्क्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब ये क्वालिफाई हुआ और पिछले साल जब ये पेपर आया था तो पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड कर दिया था, इसने लगभग बैंकिंग लेवल के ही आपके क्वेश्चन पूछे थे। तो क्वालिफाई हुआ तो कई लोग को प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन क्वेश्चन के लेवल या एग्जाम के लेवल भी इसमें बढ़े हैं। इसमें देखिए क्या क्या पूछता है इस पेपर में, मैथ्स पूछता है, रीजनिंग पूछता है, हिंदी पूछता है, छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण पूछता है। तो कभी भी ये आपका पेपर आता है तो इसमें आप सबसे ज़्यादा अपना स्ट्रांग रखिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण। ठीक, कई लोग क्या मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, लेकिन उनके लिए ये अच्छा, कम से कम 25, ये दोनों मिलाकर के आपका 25 के आसपास इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे व्यापम पूछता है, व्यापम हिंदी के प्रश्न पूछता है तो वो काफ़ी हार्ड रहते हैं, लेकिन इसमें जो हिंदी के प्रश्न आते हैं वो काफ़ी ईजी रहते हैं।
जब कभी भी आप सीसेट का एग्जाम देने के लिए बैठे तो हमेशा लास्ट पेज से बनाना चालू कीजिएगा। क्या होता है, शुरू में जब हम हमारे पास पेपर आता है तो हम स्टार्टिंग से इसे सॉल्व करना चालू करते हैं, तो सॉल्व करते करते मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन में हम इतने धुन रहते हैं कि हमें समय का पता नहीं चलता, और लास्ट में काफी ईजी क्वेश्चन रहते हैं आपकी हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली के, जो कि हमारे पास समय नहीं बचने के कारण हम इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मेरा तो सजेशन आप लोग से यही रहेगा कि जब कभी भी आपके पास सीसेट का एग्जाम या सीसेट का क्वेश्चन पेपर आपके पास आए तो हमेशा आप उसे लास्ट से सॉल्व करना चालू कीजिए। पहले हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद उसे उसके बबल फील करने के बाद ही आप नेक्स्ट मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन में जाइए। तो आपका क्या है, कम से कम आप क्वालिफाई या आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन बना चुके हैं। 25 में से यदि आप 20 क्वेश्चन बना लिए यानी 40 नंबर आपका आ चुका है ऑलरेडी, तो आपको कुछ ही मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करने हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उन लोग ध्यान दीजिएगा कि आप यदि सीसेट का एग्जाम देने बैठे तो हमेशा सीसेट के पेपर को उल्टा यानी पीछे से चालू कीजिएगा बनाना। पहले हिंदी बनाइए, छत्तीसगढ़ी बनाइए, तब जाकर के ही उसके बबल फिल करने के बाद ही आप मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन में जाइएगा। अब हम बात करते हैं हमारे जनरल स्टडी पे। देखिए जनरल स्टडी में 100 प्रश्न आएंगे, मैं आपको किस सेक्टर से कितना प्रश्न आएगा ये तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन जो पैटर्न पिछले 2-3 साल से पीएससी का रहा है उसमें 50 प्रश्न रहता है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का इतिहास, आपका भूगोल, इकोनॉमिक्स, जनजाति, संस्कृति, ये सारे से लगभग 50 प्रश्न आते हैं। 25 प्रश्न है आपका बचे हुए जनरल स्टडी, जनरल स्टडी मतलब नेशनल लेवल का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, इससे लगभग 25 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न रहते हैं आपके साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से, 10 प्रश्न रहते हैं आपके करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से, और 10 प्रश्न रहता है आपका मिसलिनियस यानी विविध, जिसमें आपका मूर्तिकला, चित्रकला ऐसे और आपका पुस्तकें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आता है या हम पीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारा सबसे पहला एम रहता है कि हम छत्तीसगढ़ की तैयारी करें। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप इस 50 प्रश्न के लिए एकदम जी तोड़ से भिड़ जाते हैं। आप मार्केट से जाएंगे, कुछ 2-3 बुक उठा के लाएंगे, 2-3 लोग एंसॉल्ट उठा के लाएंगे, दिन रात छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, केवल आपका मेन कॉन्सेंट्रेशन रहता है सीजीपीएससी यानी छत्तीसगढ़ का। लेकिन यदि आप पिछले 2-3 साल से छत्तीसगढ़ का पैटर्न देखेंगे तो 50 क्वेश्चन डेफिनेटली आपका छत्तीसगढ़ से पूछ तो रहा है, लेकिन इसका लेवल भी समय के साथ हाई होते जा रहा है। जैसे कि यदि हम 50 प्रश्न जैसे छत्तीसगढ़ का पूछ रहा है तो उसमें पर्टिकुलर किस सेक्टर से, इतिहास से कितना पूछ रहा है, आपका भूगोल से, छत्तीसगढ़ के भूगोल से कितना पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स से कितना पूछ रहा है, ऐसा कोई आपका पीएससी ने मेंशन नहीं किया है। जैसे हम 2015 पीएससी की बात करें तो उसने पूरा ग्राम पंचायत भर दिया था, 2016 पीएससी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के नाम पे उसने पूरा नगरी निकाय भर दिया था, और अभी पिछले साल की जो पीएससी की बात करें तो उसमें उसने पूरे के पूरे आर्थिक सर्वेक्षण भर रखे थे इस छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में। तो हमारा क्या है, पीएससी मतलब हम सोचते हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ के लगभग 50 प्रश्न आएंगे, तो हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए इस पे। इस 50 प्रश्न के चक्कर पे हम कहीं ना कहीं ये जो आपका साइंस टेक्नोलॉजी का ये जो 5 प्रश्न है, करंट अफेयर के जो 10 प्रश्न है, इसे हम कहीं ना कहीं इसकी तैयारियों में कमी कर देते हैं। अब जैसे हमारा ये जो 25 प्रश्न है आपका जनरल स्टडी का, इसमें इतिहास, देखिए आपसे एक बार के लिए इतिहास के प्रश्न बन जाएंगे, इतिहास के प्रश्न इजी आएंगे, लगभग 5-6 प्रश्न आपके इतिहास के रहेंगे जिसमें से आपका 2-3 प्रश्न ही बन पाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न भी, 100 प्रश्न आता है तो आप ये मत सोचिए कि 100 के 100 प्रश्न आपसे बन जाएंगे, कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आपके लिए क्या, सभी के लिए वो प्रश्न नए रहते हैं। अब जैसे आपसे इतिहास के प्रश्न बन जाएंगे, एक बार के लिए आपसे भूगोल के प्रश्न भी बन जाएंगे, लेकिन जो आपका इसमें इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन रहता है और जो संविधान वाला पोर्शन रहता है ये काफी हार्ड रहता है। जैसे कि आप संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये कूट आधारित प्रश्न रहता है। कूट आधारित मतलब आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और उसमें नीचे ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, या ए और बी सही है, या उपरोक्त सभी सही है। तो ऐसे स्टेटमेंट, अभी संविधान का पैटर्न, जो संविधान के प्रश्न पूछे जाने के जो पैटर्न है लगभग ऐसे ही आ रहे हैं, मैक्सिमम कूट आधारित क्वेश्चन ही ये पूछता है, सिंगल ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन पूछ के 4 ऑप्शन, ऐसा पैटर्न इसमें नहीं फॉलो कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछने के लिए, इसमें क्या है कूट आधारित प्रश्न पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला सेक्टर भी आपके लिए टफ पड़ जाता है। अब बचा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा इसको इसके तैयारियों में अपना कहीं ना कहीं हम थोड़ा अपना ढीलापन दिखाते हैं, लेकिन ये जो आपका जो इसका 5 प्रश्न पूछा जाता है, कई बार 5-6 या 7 प्रश्न इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये जो आपके साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट वाले सेक्टर से जो आपका क्वेश्चन पूछे
पूछे जाते हैं ये काफ़ी बेसिक प्रश्न रहते हैं, ज़्यादा डीप लेवल पर जाके नहीं पूछता, एकदम बेसिक बेसिक। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के सिलेबस में ही जो आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन रहता है उसे ही उठाया जाता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फिर आता है करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब देखिए, मैं जहाँ तक मैंने देखा है, जैसे हमारा वीडियो चल रहा है, वीडियो में मैं आपका इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अभी लगभग हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे मैं वीडियो डाला हूँ, तो मुझे एक चीज़ ऑब्जर्व करने मिला कि आप इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो काफ़ी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के भी वीडियो काफ़ी देख रहे हैं, लेकिन आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा जो वीडियो मैंने डाला है उसे आप देखिए, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि काफ़ी लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को जनरली इग्नोर करते हैं। यदि मैं आपको वहीं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर अपलोड कर दूंगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो छत्तीसगढ़ CGPSC में जो करंट अफेयर पूछता है ये जनरली आपका नेशनल इंटरनेशनल पूछता है। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 8 प्रश्न आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर रहेंगे। हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि एग्जाम जब पास में आएगा तो हम मार्केट में जाकर कोई एक तो मैगजीन ला लेंगे, वार्षिकी वाला, वार्षिकी 2018, और उसको पूरा पढ़ करके हमारा कवर हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास समय कम रहेगा, जनवरी में आपका उसका कोई भी आपका मैगजीन प्रकाशित होगा, उसको आप एक महीने में कितना पढ़ लेंगे? अभी से आप इसकी थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ करनी चालू रखिए। होता क्या है, जैसे पिछले साल जो आपका इकोनॉमिक्स आर्थिक सर्वेक्षण है, जब CGPSC ने अपना क्वेश्चन पूछा और पेपर का लेवल थोड़ा टफ था, तो कई लोगों को बचाने वाला जोन था आपका ये साइंस टेक्नोलॉजी और आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को एकदम बेसिक, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर, जैसे व्यापम एकदम डीप में जाकर करंट अफेयर क्वेश्चन उठाता है, वैसे नहीं, ये केवल सिंपल एक क्वेश्चन पूछता है, उसके नीचे 5 ऑप्शन देता है और बहुत इजी वे में आपके ये करंट अफेयर के क्वेश्चन PSC उठाता है, ज़्यादा डीप लेवल पर जाकर नहीं उठाता। तो मेरा ये कहना है कि यदि आपके पास 4 महीने का समय है तो आप छत्तीसगढ़ को लास्ट के 2 महीने के लिए रिजर्व रखिए, मीन्स आप दिसंबर और जनवरी में छत्तीसगढ़ की तैयारियां कीजिए। लेकिन अभी आपके पास समय है तो आप इसमें अभी साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के अनसॉल्व सॉल्व कीजिए, बेसिक चीज़ें पढ़िए, इसमें से ज़्यादा डीप में जाके मत पढ़िए, केवल बेसिक चीज़ें पढ़िए, करंट अफेयर्स को पढ़िए, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे अपडेट कीजिए या मंथली बेसिस पे अपडेट कीजिए। यूट्यूब में और भी चैनल्स हैं, उसमें जाकर करंट अफेयर्स आप देखिए, डेली बेसिस पे कई वेबसाइट है जो इसमें क्विज कंडक्ट कराते हैं, उसमें जाकर के आप करंट अफेयर कीजिए, लेकिन इसे कीजिए। बहुत, जैसे पिछले बार बहुत लोगों को बचाने वाला एक यही पोर्शन था आपका करंट अफेयर, करंट अफेयर से जो प्रश्न, देखिए अब जैसे समझ लीजिए आपका 50% आया छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से आपका केवल इसमें इसका आप 50% क्वेश्चन ही बना सकते हैं, यानी यदि आपसे 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ से पूछा गया तो आप इसमें 25 प्रश्न बना सकते हैं। इसमें यदि आपका 25 प्रश्न है आपके रेस्ट ऑफ GS में, तो इसमें से आप मैक्सिमम 15 प्रश्न ही इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्रश्न अटैम्प्ट कर पाएंगे, और नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर में आप 6 प्रश्न अटैम्प्ट कर पाएंगे, और बाकी विविध का ले लीजिए, विविध का 5 प्रश्न। तो यदि हम इसे काउंट करें तो 25, 5, 30, 10, 40, 40 और ये 50 और ये 55, यदि आप 55 क्वेश्चन राइट अटैम्प्ट करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 55 × 2 यानी 110। जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, ST, SC, OBC किसी भी कैटेगरी की बात करें तो ये 110 आपके लिए सबसे सेफ जोन है। आपको ही पता है कि जब छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आता है CGPSC में तो आपसे शुरू के 3-4 क्वेश्चन एकदम कंटिन्यू आपसे इसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन ही आपसे अटैम्प्ट होते हैं, और उसके बाद लगातार आपसे 7-8 प्रश्न छूट जाते हैं, फिर नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, फिर 5-6 प्रश्न छूट जाएंगे। तो इसका 50 प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे 50 प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप पूरे के पूरे इसमें 50 प्रश्न या 40 प्रश्न आप इसमें सॉल्व कर लेंगे। अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो एवरेज स्टूडेंट इसमें से मुश्किल से 20 या 25 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर सकता है। यदि किसी की तैयारियाँ काफ़ी अच्छी है तो वो मैक्सिमम इसमें 35 प्रश्न अटैम्प्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि 50 प्रश्न है तो कोई स्टूडेंट इसमें 40 प्रश्न अटैम्प्ट कर ले, वैसे होते भी है लेकिन वो टॉप कैटेगरी में चले जाते हैं, उनके मार्क्स भी वैसे आते हैं। यदि 200 नंबर का पेपर है तो वो 160 नंबर गेन आराम से कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की तैयारियाँ रखिए, लेकिन उस छत्तीसगढ़ की तैयारी के चक्कर में आप ये नीचे वाला ये दो तीन पोर्शन है इसे मत छोड़िए।
करंट अफेयर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, करंट अफेयर काफ़ी हद तक आपको बचा लेगा CGPSC एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए 25 नंबर आप 50 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से 25 क्वेश्चन लगभग 50% बना लेंगे, तो इसका 25 क्वेश्चन हो गया। इसमें से 25 प्रश्न पूछ रहा है GS में से, तो उसमें से 15 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 5 प्रश्न इसमें से पूछ रहा है साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट्स में से, उसमें 4 प्रश्न बहुत ईजी आता है, यकीन मानिए बहुत ईजी रहता है। इसमें से लगभग 5 में से या 6 प्रश्न या 7 प्रश्न पूछता है तो उसमें 4 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हो। करंट अफेयर 10 प्रश्न पूछता है तो ऑन एवरेज आप इसमें से 6 प्रश्न, यदि आपका करंट अफेयर काफ़ी अच्छा है तो आप हो सकता है इसमें से 8 या 9 प्रश्न भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं कि इसमें आप मैक्सिमम 6 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हो। विविध के अंतर्गत आपका चित्रकला, मूर्तिकला, आपका योजनाएं और ऐसे सब अलग अलग सेक्टर से इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से आप 5 प्रश्न यदि टोटल को काउंट करेंगे तो आप इसमें टोटल 55 प्रश्न होते हैं। 55 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, सारे कैटेगरी अनरिजर्वड और रिजर्वड कैटेगरी सभी के लिए ये 110 आपका सेफ जोन हो जाता है। तो देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसे समझिएगा, आप छत्तीसगढ़ के साथ साथ अदर सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए, समय काफ़ी है। अब बात करते हैं हम मेंस की। देखिए CGPSC मेंस का डेट डिसाइड हुआ है आपका 21, 22, 23, 24, यानी अभी से आपके पास लगभग 8 महीने का समय है। इस 4 दिन में आपको कम से कम 7 पेपर देने होंगे। यदि आप CGPSC मेंस की पहली बार तैयारियां कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको केवल 7 पेपर की तैयारियां ही करनी है, लेकिन इस 7 पेपर में आपको लगभग 20 विषयों की तैयारियां करनी है, 20 सब्जेक्ट की तैयारियां करनी है आपको इस 7 पेपर के लिए। ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि 20 सब्जेक्ट है, यदि इसे मैं और सब सब्जेक्ट में डिवाइड करूँगा तो ये लगभग 38 से लेकर के आपका 40 के आसपास सब सब्जेक्ट में डिवाइड होता है। जैसे आप पेपर वन ले लीजिए, पेपर वन है आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज में ही आपको 4 सब्जेक्ट की तैयारियाँ करनी है, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी और संस्कृत। पेपर टू है आपका ऐसे निबंध, जिसमें आपको एक छत्तीसगढ़ लेवल का समस्या दिया जाएगा और एक राष्ट्रीय स्तर पर भारत की समस्याओं से आपको निबंध लिखना है, 2 निबंध आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका 4 और 2, 6। पेपर 3 है आपका इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन, तो इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन ये 3 हो गया, तो 6, 3 हो गया, 9। पेपर 4 है आपका साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट इन 3 को जोड़ दोगे तो हो जाता है 12। पेपर 5 है आपका अर्थशास्त्र और भूगोल, ये हो गया आपका 13 और 14। फिर आपका पेपर 6 है आपका मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड, 17, 18, 19। और फिर आपका पेपर 7 है आपका दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र, मीन्स 20 और 21। तो टोटल आपको 20 के आसपास आपको टोटल सब्जेक्ट की तैयारियां करनी है। यदि आप इसको सब सब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको जैसे पेपर 3 है आपका इतिहास, संविधान और आपका लोक प्रशासन, इतिहास फिर छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिवाइड हो जाता है। वैसे ही आपका पेपर 4 है साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, तो साइंस में फिर वो 3 भाग में डिवाइड होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। जैसे आपका पेपर 5 है इकोनॉमिक्स और आपका भूगोल, तो वो फिर डिवाइड होगा छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स और छत्तीसगढ़ का भूगोल, भारत का इकोनॉमिक्स, भारत का भूगोल। तो ऐसे सब सब्जेक्ट में डिवाइड होते होते ये कम से कम 35 to 38 के आसपास आपका सब सब्जेक्ट में डिवाइड होते हैं। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट की चीज़ें बता रहा हूँ। आप यदि सोच रहे हैं कि आपको 7 पेपर की ही तैयारियाँ करनी है तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आपके पास आपको कम से कम 20 सब्जेक्ट की तैयारियां करनी है या 38 के आसपास सब सब्जेक्ट की तैयारियां करनी है, लगभग आपको 38 समझ के चलिए। समय कम है, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जो आप नॉर्मल एग्ज़ाम देते हैं इससे ये काफ़ी अलग होता है ये एग्ज़ाम। इसमें आपको एक प्रश्न देगा, उसके नीचे जैसे 2 नंबर के प्रश्न है तो 2 नंबर के प्रश्न के लिए आपको एक लिमिटेड 3 लाइन दे देगा, आपको उसी लाइन के अंदर ही उतनी ही सीमा के भीतर आपको अपना सटीक आंसर देना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे उस प्रश्न के आंसर के लिए। दूसरी बात, यदि आपका 4 दिन में 7 पेपर हो रहा है तो आपको 1 दिन में 2 पेपर देना है और वो भी कंटिन्यू डेट में है, 21, 22, 23, 24। इस 4 दिन में आपको 7 पेपर देने हैं कंटिन्यू, 1 दिन में 2 पेपर, फिर अगले दिन उठ के फिर 2 पेपर, फिर अगले दिन उठ के 2 पेपर, ऐसे करके आपको कंटिन्यू 7 पेपर देना है। तो जहाँ पर ये आपकी पढ़ाई यहाँ पर मायने रखेगी या जो आपका स्टडी स्किल है मायने रखेगा ही, लेकिन यहाँ पर आपका इन 4 दिनों में आपका मेंटली स्ट्रेंथ भी मायने रखता है, मेंटली स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। आपको ये 4 दिन बहुत टफ रहते हैं इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए। देखिए मैं आपको यहां पे डरा नहीं रहा हूं, मैं जो फैक्ट की चीजें हैं वो बता रहा हूं, लेकिन इसमें एक चीज ये भी है। देखिए ये जो आपका मेंस होता है, आपका जो फाइनल होता है मेंस में, ये होता है आपका 1400 नंबर का, और फिर आता है आपका इंटरव्यू।
ये होता है आपका 150 नंबर का। यदि हम दोनों को टोटल करें तो ये होता है आपका 1550। 1550 नंबर का होता है आपका मेंस एग्ज़ाम। लेकिन देखिए, देखने में या चीज़ों को पढ़ने में हमें लग रहा है कि मेंस में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हम तैयारियां कैसे करेंगे। लेकिन अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि आप इसमें से 1550 में से लगभग आप 50% अंक भी हासिल कर लेते हैं तो आपको CGPSC में कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। यानी 1550 का 50% देखा जाए तो लगभग होता है आपका 750 के आसपास। यदि आप मार्क्स ला लेते हैं CGPSC मेंस में तो आप पिछला 3-4 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, 750 के आसपास, इस 750 मार्क्स के आसपास PSC में सिलेक्शन हो जा रहे हैं। वैसे तो यदि हम टॉपर की बात करें तो टॉपर के मार्क्स 830 850 900 तक जाते हैं, लेकिन फाइनली यदि हम देखें तो लगभग आपका इस 750 मार्क्स यानी 50% के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा CGPSC में जो पोस्ट निकले हैं। तो जहां हमें लग रहा है कि आपका जो 20 सब्जेक्ट की हमें तैयारियां करनी है, 1400 नंबर के पेपर होंगे, उसकी हम उसमें हम कैसे नंबर गेन करेंगे, तो आप अभी से अपनी तैयारियां रखिए, तैयारियां कीजिए। आप देखेंगे जो भी प्रश्न आ रहे हैं, आपको हर प्रश्न अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आप अपनी तैयारियां इतना रखिए कि आप मेंस के पेपर में जो 1400 नंबर का पेपर है उसमें 50% यानी 750 नंबर के आसपास यदि आप गेन कर लेते हैं तो आपको PSC द्वारा निकाले गए विभिन्न पोस्ट में से एक ना एक पोस्ट आप हासिल कर लेंगे इस 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे PSC ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन में उसने मेंस के सिलेबस को मेंशन नहीं किया है, तो आप सिलेबस के भ्रम में मत रहिए, जो पिछला सिलेबस है आप उस सिलेबस के आधार पर तैयारियां कीजिए। अभी आप स्पेशली जो PSC मेंस का जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे आपका दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, आपका भूगोल, ये सारे सब्जेक्ट्स की अभी तैयारियां चालू कर दीजिए। मैथ्स की भी तैयारियां कीजिए। देखिए अभी कई पेपर में सुनने आ रहा है कि मैथ्स सब्जेक्ट को हटाया जाएगा, मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट को मर्ज करके एक सब्जेक्ट बनाया जाएगा, आप ये सब भ्रम में मत रहिए, आप अपनी तैयारियां कीजिए। देखिए कई लोग का ये कहना है कि मैथ सब्जेक्ट से मैथ बैकग्राउंड वालों को काफ़ी फायदा हो रहा है, मैथ्स वालों को सिलेक्शन हो रहा है। देखिए फायदा यदि उनको गेन करना है तो फायदा वो प्री में गेन कर सकते हैं। मेंस में उन्हें गेन करने के लिए क्या, एक केवल उनका मैथ सब्जेक्ट है और दूसरा है आपका साइंस सब्जेक्ट, ये तो हो गया आपका मैथ्स बैकग्राउंड वालों का। लेकिन यदि आप देखेंगे तो उसमें और भी सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, ये तो सब आर्ट्स वालों का ही है। तो जहां आपको गणित पढ़ने में ये समस्याएं आ रही है, मैथ्स और साइंस पढ़ने में समस्या आ रही है, तो मैथ्स बैकग्राउंड वाले को इस इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में समस्याएं आ रही है, इसकी लेखन शैली में उन्हें समस्याएं आएगी। आप केवल एक मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं, उसी के पीछे बैठे हुए हैं कि मैथ्स को हटाया जाना चाहिए, इसके लिए धरना देना चाहिए, ये सभी बकवास बातें हैं। आप अपनी तैयारियां रखिए, कट ऑफ हाई जाता है, सिलेक्शन होते हैं, कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, लेकिन इसमें जो सिलेक्शन होते हैं उसमें आपसे, आपके और हमारे बीच में से ही कोई ना कोई अभ्यर्थी चुन के जाते हैं, फर्क रहती है तो बस तैयारियों की। हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम कोई ना कोई बहाना बना के बैठे रहते हैं और अपनी गलतियों पर पर्दा डालते रहते हैं, लेकिन जो सेलेक्ट हुए हैं उनके पीछे उनकी मेहनत थी, उस चार दिन में उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ था, उनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ था उस पेपर को देने के लिए, जो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी थी, उनकी जो तैयारियां थी पिछले 2-3 साल से जो वो तैयारियां कर रहे हैं, करके उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप जो अपने पिछले 2-3 साल से तैयारियां कर रहे हैं तो आप अपने वीकनेस को ढूंढिए, तैयारियां कीजिए, अपने गलती से पर्दा डालने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने आप को एनालिसिस करके अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखिए। तो नोटिफिकेशन में बताने के लिए फिलहाल इतना ही था। तो देखिए तैयारी कीजिएगा, जो मैंने आपको बताया साइंस, करंट अफेयर और मिसलेनियस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, या जब कभी पेपर आपके टफ आते हैं तो यही सेक्टर आपको बचाएंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा याद रखिए, इन्हें तैयारियाँ कीजिए, सेफ जोन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका कितना परसेंट पे आप इसमें सेफ रहेंगे इसे थोड़ा देखते हुए अपनी तैयारियां कीजिए, और पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट की आपकी तैयारी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद है, उसे काफ़ी अच्छे से उसे अपना तैयार रखिएगा। मेंस की तैयारी अभी से चालू कीजिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़िए, मैथ्स का प्रैक्टिस कीजिए, समय काफ़ी है अभी हमारे पास 8 महीने का। तो चलिए आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।